गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास हमारा बेस पूरा फिनिश हो गया था। अब क्योंकि देखिए हमारा जो चैप्टर वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था, एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड पार्ट पहले ही खत्म हो गया, फिर उसके बाद हमने बेस देखा, बेस भी खत्म हो गया। अब जो हम नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्ट, यानी कि हम सॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्ट क्या होता है। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। कई बार क्या होता है, मेटल जब आते हैं तो एसिड के एच प्लस आयन को वो रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब उनको उसकी जगह से हटा देते हैं और खुद कहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं। ऐसे बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हियर इज एन एग्जाम्पल। HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है। जब ये किसी मेटल से, मान लीजिए सोडियम से रिएक्ट करता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा HCl है, और मान लीजिए ये मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कर गया। तो बताइए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको जरूर से रिवाइज कर लेंगे, हाँ, नहीं तो आने वाले टाइम पर हम आपको एक दिन होमवर्क भी दे देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज फिर से याद कर लीजिए। अब क्या करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है तो वो इसको रिप्लेस करेगा, इसको अपनी जगह से हटाएगा और खुद इसके साथ कंबाइन होगा। अब देखिए क्लोरीन पे सिंगल माइनस आ जाता है, मैग्नीशियम पर प्लस टू। आपको आपको कैलकुलेट करना आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ प्लस टू, यहाँ पर सिंगल माइनस, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना होगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 प्लस। अब ये जो H प्लस आयन निकला ये कहीं बाहर थोड़ी गया है, अब ये क्या बन जाएगा, हाँ, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब आप देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो बैलेंस हो गया, हाँ बस हो गया। ये जो बना दिस इज सॉल्ट। तो देखिए ये चीज़ कही गई है, जब कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल से, तो वो मेटल उस एसिड का H प्लस आयन वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात? चले आइए, तो डेफिनेशन तो हो गया। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे NaCl, या फिर अभी जो हम MgCl2 का पूरा बनाए थे प्रोसेस, आप पूरा प्रोसेस ही कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किससे कराएं, सोडियम मेटल से, तो देखिए क्या बनेगा इक्वेशन, HCl रिएक्ट्स विथ Na सॉलिड। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन किसी जगह से हटाएगा और खुद कंबाइन होगा। सोडियम पे कितना आएगा, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे सिंगल माइनस, यानी कि ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब सोडियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो बना आपका सोडियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट। ये क्या हमारा सॉल्ट है, देखिए क्या दिया यही चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन H प्लस ऑफ दिस एसिड बाय अ मेटल एटम से सोडियम Na, अगर हम सोडियम मेटल की हेल्प से हाइड्रोजन H को हटा दें वहाँ से और उसको वहाँ पे रख दें, तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट। इन सम सॉल्ट्स हाउएवर द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एन अमोनियम ग्रुप। कई बार आपको ये जो H प्लस आयन हटाए जा रहे हैं वो मेटल्स के ना होके अमोनिया ग्रुप से भी हटाए जा सकते हैं, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बार वैसे 90% केस में तो मेटल्स ही हटाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने को आपको मिल सकते हैं जहाँ पर जो अमोनिया है वो अमोनिया एच प्लस आयन्स को रिप्लेस कर देता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड,
द बेस्ट नोन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। अगर हम पूछे कि सबसे आसान और ऐसा सॉल्ट का नाम बताइए जो कि लोग आराम से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। हमारे घर पे जो सॉल्ट हमें मिलता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, विच इज यूजुअली नोन एज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। प्लीज नोट दैट सॉल्ट इज अ जनरल नेम एंड इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड। जब भी हम सॉल्ट कहें तो आपको इससे मतलब ये नहीं हो गया कि अब हमेशा हम सोडियम क्लोराइड की ही बात कर रहे हैं। सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो जब हम सॉल्ट कहेंगे तो जनरली बच्चों के माइंड में ये आता है कि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जब हम जनरल सॉल्ट बोल दें, कॉमन सॉल्ट बोल दें या सोडियम क्लोराइड बोल दें, तब तो क्लियर, पूरा क्लियर है कि हम NaCl की ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सोडियम क्लोराइड इज जस्ट वन मेंबर ऑफ ए ह्यूज फैमिली ऑफ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट फैमिली की बात करें तो उसमें एक छोटा सा मेंबर है सोडियम क्लोराइड। सो इन एडिशन टू सोडियम क्लोराइड वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सॉल्ट्स टू, यानी कि एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ साथ अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इस बहुत ज़्यादा नंबर में और भी सॉल्ट्स पाए जाते हैं। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वाटर तो खैर अलग बात होगी, सॉल्ट वहाँ भी हमें देखने को मिलता है। वी कैन से दैट अ सॉल्ट हैज टू पेरेंट, यानी कि सॉल्ट के पास दो पेरेंट्स हैं। जैसे हमारे दो पेरेंट्स होते हैं, एक मम्मी एक पापा, वैसे ही सॉल्ट के दो पेरेंट हुए, पहला एसिड दूसरा बेस। सो द नेम ऑफ अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसीलिए जो सॉल्ट का नेम होता है वो थोड़ा सा पापा का मतलब कि एसिड का और थोड़ा सा बेस का, दोनों का लिया जाता है। आइए आपको बता दें अब क्या क्या नोट करना है। हाँ, आप यहाँ से इस चीज़ को नोट पॉइंट में नोट करेंगे, कहाँ तक, अमोनियम क्लोराइड यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बस, आपको ये नाम वगैरह का कुछ वो नहीं है, वो तो आप नाम खुद बनाना सीख जाएंगे। यानी यहाँ जो बेस दिख रहा है ना, बस बेस तक कर लेंगे। चले आइए, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज नेम ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। हाँ, जो भी हमारा सॉल्ट का नेम होता है उसका एक हिस्सा एसिड का होता है और दूसरा हिस्सा बेस का होता है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ अ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात कर लें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या लिया गया, सोडियम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या ले लिया गया, क्लोराइड। तो बन गया ना सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जितने भी सॉल्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जितने भी क्लोराइड्स बनेंगे ये सब तब बनते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाता है। दूसरा द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर कॉल्ड सल्फेट्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं सल्फेट, जैसे लिथियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, और आपको मिल जाएगा सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। इसी तरह से जो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट होते हैं उनको नाइट्रेट बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, एंड द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड्स आर कॉल्ड एसिटेट्स। ऐसे और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इतना बहुत है। तो आप क्या करेंगे, ये पांचों पॉइंट्स आप नोट करके याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं, क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं, सल्फेट। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को नाइट्रेट। कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को कार्बोनेट। एसिटिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट। कर सकते हैं, चलिए।
आई देखिए, अब आपको नाम जो रटने की जरूरत होती थी अब रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख के इनके नाम बता सकते हैं। देखिए NaCl, Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोराइड, क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2 Zn क्या होता है जिंक क्लोराइड, Na2SO4 SO4 यानी कि सल्फेट, किसे बना होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ये देखिए ZnSO4 जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये देखिए अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड से बनाया जाता है इसलिए इसका नाम है सोडियम एसीटेट। कर सकते हैं आप सब चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें एक चीज़ आपको और माइंड रखना है, इस पूरे सॉल्ट में जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सब पॉजिटिव है, कोई भी ले लीजिए। आप अगर कॉपर सल्फेट लेंगे इसमें कॉपर 2+ है और सल्फेट 2- है, यानी कि ये हमारा कैटायन है, कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमारा एनायन, एनायन का मतलब ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ठीक अपोजिट हो जाता है, इसमें जो एसीटेट है CH3COO दैट इज नेगेटिव, पहले नेगेटिव आ जाता है, और सोडियम तो हमें भी पता है ये कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है सिर्फ सोडियम एसीटेट में, बाकी ये जो जितने भी एग्जांपल्स हैं सब में पहले आने वाला कैटायन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा आने वाला एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये पूरा टेबल आप बना लेंगे ठीक है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, जो भी सॉल्ट्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है हाई, यानी कि अगर आप उनको बॉयल करना चाहें या उनको मेल्ट कराना चाहें तो उसके लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। सॉल्ट्स आर यूजली सोल्यूबल इन वाटर, हाँ जितने भी सॉल्ट्स होते हैं लगभग सब के सब पानी में क्या होता है सोल्यूबल होते हैं, यानी जैसा पानी में उनको डाल के मिक्स किया तो पानी में घुल जाते हैं, जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेस, सोल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही एसिड और बेस जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं यानी कि वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, वैसे ही जब सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, दैट इज सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका मतलब सॉल्ट भी क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं लिक्विड कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अगर आपके पास घर पे जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है अगर आप उसको ऐसे सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करें तो वो नहीं होता, लेकिन जब आप उसको वाटर में मिक्स करके उसके अंदर से पास कराएंगे तो वो काम करता है, यानी कि वो लिक्विड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर आयंस होते हैं कैटायंस और एनायंस, कैटायंस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायंस का मतलब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एवरी सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज नोन एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज नोन एज एनायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम का जो चार्ज है वो कैटायन है और क्लोरीन का जो चार्ज है दैट इज एनायन, सही है, इसमें भी आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, आप यहां से यहां तक नोट कर लेंगे, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स तक, कर सकते हैं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट, आइए इस टॉपिक को भी यहीं फिनिश कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की ढेर सारी फैमिली भी है, आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे ठीक है। देखिए कैसे इसकी फैमिली को हम देखते हैं, फैमिली का मतलब इनसे मिलता जुलता और भी ढेर सारे सॉल्ट के नेम हो सकते हैं, जैसे देखिए द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन,
जिसका या तो कैटायन सेम हो या तो एनायन सेम हो, ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट फैमिली का मेंबर कहते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके घर पे तीन लोग हैं, तो जो पापा का टाइटल होगा वही टाइटल क्या आपके घर पे जो तीन बच्चे हैं तीनों बच्चों का होता है? होता है ना। यानी कि जो नाम है उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल सेम होता है। ये तो रही हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी अगर आप बायो यूज करें तो ये चीज़ बायो में भी दी गई है। जब आप जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि हमें जो प्रॉपर्टीज मिलती है, हमें जो नेचर हैबिट्स मिलती है बहुत सारी, वो हमें कहाँ से मिलती है? हमने पेरेंट्स से। यानी कि कुछ मम्मा के और कुछ पापा के, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर मिलती हैं जीन्स की वजह से, होता है। उसी तरह से जब हम दो सॉल्ट्स को देखें और देख के पता चले कि उनमें से या तो कैटायन सेम है या तो एनायन सेम है, अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे वो सेम फैमिली के सॉल्ट हैं। क्या कहेंगे हम? सेम फैमिली के सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या सेम दिखा आपको? सोडियम। हाँ, दोनों में कैटायंस जो है वो सेम है, एनायंस तो अलग है, एक में क्लोरीन है एक में सल्फेट है, लेकिन कैटायन दोनों में सेम है। इसका मतलब दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ द सॉल्ट कॉल्ड सोडियम सॉल्ट। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है सोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें भी सोडियम था, क्लोराइड में भी, और सल्फेट में भी, सोडियम सल्फेट में भी सोडियम था। उसी तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो हम इनको बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। क्या बोलेंगे हम? क्लोराइड सॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि दोनों के जो एनायन है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सोडियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है, इसलिए हम इनको क्लोराइड फैमिली का मेंबर्स कह सकते हैं, क्लोराइड सॉल्ट भी कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल में इसको थोड़ा बहुत लिख लीजिए। आप एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिएगा, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। वी कैन हैव एज मेनी फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस विच मेकअप द सॉल्ट। ऐसे एक नहीं, कई फैमिलीज ऑफ सॉल्ट बनाई जा सकती है। जैसे अगर आप मान लीजिए हम आपको कहें सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट, तो बताइए ये किस फैमिली के सॉल्ट होंगे? सल्फेट फैमिली के सॉल्ट होंगे, क्योंकि दोनों में सल्फेट कॉमन था ना। हाँ, उसी तरह से अगर हम कहें पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट, तो इसका मतलब ये कौन से फैमिली के होंगे? पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे, यानी पोटेशियम फैमिली के हो गए। देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट आर, इनका नाम लिख लेंगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैमिलीज जो हैं सॉल्ट की, उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। किधर गया? यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ सॉल्ट आर सोडियम सॉल्ट, एग्जाम्पल में आप चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सॉल्ट्स, जिसमें कैल्शियम होना चाहिए, यानी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक सॉल्ट्स, यानी कि जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, पोटेशियम सॉल्ट्स, एल्युमिनियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड एसीटेट सॉल्ट्स। आपको सब रटना नहीं है, बस आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे ताकि आपके माइंड में ये बना रहे। कर सकते हैं? तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।